पुलिस अधीक्षक बालाघाट के निर्देशानुसार आचार संहिता के पालन में कई वर्षों से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में तिरोडी पुलिस को सफलता मिल रही है। तिरोडी पुलिस ने सोमवार को दो फरार स्थायी वारंटी महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। थाना प्रभारी गहलोत सेमलिया के अनुसार लोकसभा चुनाव के साथ ही आचार संहिता का पालन करते हुए पिछले कई वर्षों से फरार चल रहे तीन स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें व्यवहार न्यायालय कटंगी में पेश किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार धारा 504, 294, 323, 34 के मामले में फरार चल रही कोयलारी निवासी मोहिनी ध्रुवे और किरण उइके को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों महिलाएं करीब 7 साल से फरार चल रही थी। दोनों गुजरात में थी। पुलिस को जानकारी मिली कि अभी हाल ही में यह कोयलारी आई हुई है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। तिरोडी पुलिस ने महाराष्ट्र के गोबरवाही थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम आष्टी निवासी विजय उर्फ विजुस कासर पे उम्र 30 वर्ष को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपी के विरुद्ध धारा 25(3) का मामला पंजीबद्ध है। पुलिस ने तीनों ही स्थायी वारंटियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। आचार संहिता लगने के बाद से तिरोडी पुलिस आधा दर्जन से अधिक फरार वारंटियों को गिरफ्तार कर चुकी है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के SN चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।